अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सभी। उम्मीद करती हूँ सभी ठीक ठाक होंगे, बहुत खुश होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह से मैं भी अच्छी हूँ। और यहाँ किचन में देखिए चल रहा है इनका कुछ काम, मंतशा कुछ बना रही है और साथो साथ इनकी मस्ती भी चल रही है। छोटी अप्पी यहाँ पर आकर बैठे हैं, बड़ी अप्पी बना रहे हैं, कुकिंग कर रहे हैं। और देखिए आपने पेस्ट्री के लिए कैसी लड़ाई चल रही है। तो फेवरेट चीज़ रहती है तो बच्चे ऐसी लड़ाई करते ही है। तो आज मैं बना रही बहुत ही ज़्यादा टेस्टी फिश करी रेसिपी, बहुत ही इजी रेसिपी है। और बिना स्किप की वीडियो को आगे तक वॉच करें। अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो मेरा चैनल आप सभी को अच्छा लगता है तो ऑल बेल के साथ सब्सक्राइब करें, मुझे सपोर्ट करें। और मेरी वीडियो को आप अपने फ्रेंड्स एंड फैमिली मेम्बर में शेयर भी कर सकते हैं। और वीडियो अच्छी लगती है तो लाइक भी करें। तो प्लीज़ कढ़ाई जो है पतीला उसे इग्नोर करें क्योंकि वो मेरा फेवरेट है। तो मैं बार बार कह चुकी हूँ ये बात। तो चलिए रेसिपी में आप आगे बढ़ते हैं हम। तो सबसे पहले ऑयल में मैंने कसूरी मेथी ऐड किया है और यहाँ है प्याज, टमाटर और समार। इसका मैंने ना फाइन पेस्ट पीस लिया था और ये मैं ऐड कर रही हूँ इसमें। तो वो क्लिप मेरे से मिस हो गई है मसाले की। और वैसे भी आप सभी को पता है, अक्सर आप अगर मेरे ओल्ड व्यूअर्स हैं तो मैं इस तरह से ही ग्रेवी का मसाला तैयार करती हूँ। और ये रही हमारी फ़िश। तो अच्छी तरह से मसाला हम ना भूंजेंगे और इसके बाद में इसमें ना जिंजर गार्लिक पेस्ट, अदरक लहसुन का पेस्ट 2 टीस्पून के लगभग मैं ऐड कर दूंगी। और कसूरी मेथी का पहले हमने जो छौंक दिया है उससे काफ़ी अच्छा फ्लेवर और टेस्ट आता है। आप चाहे तो खड़ा जो मेथी आता है, मेथी दाना, वो भी ऐड कर सकते हैं, बट मेरे यहाँ नहीं पसंद करते। और ये इस तरह से मैं आप सभी को एकदम इजी रेसिपी बता रही हूँ कि ताकि बिगनर भी मतलब बना सकते हैं और काफ़ी ज़्यादा मतलब खाने में तो बहुत ही जायकेदार बनती है। और ये एक ट्रिक है आप सभी के लिए। फ़िश में मैंने पानी ऐड किया है और ये देखिए इसमें ढेर सारा नमक ऐड कर देंगे हम और अच्छी तरह से मतलब इसे ना रब कर लेंगे हाथों से ही और इसे रख देंगे ऐसे ही 1 से 2 मिनट के लिए। तो इससे क्या होगा, इसका जितना भी मतलब चिकट पानी होता है या जो स्मेल आती है वो सारी ही मतलब आपकी ख़त्म हो जाएंगी। फ़िश में कुछ भी नहीं लगेगा आपको सालन में कि हम फ़िश का सालन खा रहे हैं। तो काफ़ी अच्छे से वॉश हो जाती है, ब्लड भी पूरा निकल जाता है इस तरह से। तो इस तरह से मैं वॉश करती हूँ। और यहाँ पर अच्छी तरह से हमारा जो मसाला है ना भूंज रहा है, क्योंकि मसाले को जितने अच्छे से आप पकाओगे उसकी कच्ची स्मेल निकलेंगी उतना ही अच्छा आपका जो करी होता है ना उसमें टेस्ट आता है। तो यहाँ पर मैं टर्मरिक पाउडर ऐड कर दे रही हूँ। और फ़िश का नाम तो मुझे उतना नहीं पता है, शायद आप सभी जानते हो तो आप देख लीजिए। और ये धनिया पाउडर डाली हूँ मैंने, देखिए 1 टीस्पून के लगभग। और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। बहुत ही इजी रेसिपी है, आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई करें और खाने में तो बहुत ही ज़्यादा जायकेदार बनती है। और जो एक टिप्स भी दे दी हूँ मैंने आपको फ़िश मतलब वॉश करने का, क्योंकि बहुत से लोग मतलब कैसा होता है कि सही से प्रॉपर वॉश नहीं करते ना तो स्मेल आती है काफ़ी फ़िश में, आपने देखे भी होंगे। तो इस तरह से आप ना सॉल्ट के साथ इसे वॉश करें, कुछ भी स्मेल नहीं आएगा और आपकी फ़िश बहुत ही अच्छी लगेगी खाने में। और यहाँ अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग मतलब लाल मिर्च पाउडर ऐड करें। मैं यहाँ पर रेड चिली पाउडर ऐड कर रही हूँ और अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। मैं मतलब थोड़ी सालन वाली बना रही हूँ, ग्रेवी वाली नहीं बना रही हूँ, इसलिए थोड़े मसाले ऑयल वगैरह आपको ज़्यादा दिख रहे होंगे। तो जो तरी वाला जो सालन कहते हैं ना, काफ़ी अच्छा लगता है इस तरह से फ़िश का। और ये अब मैं इसमें गरम मसाला पाउडर ऐड कर दूँगी। ये देखिए मेरा होम मेड गरम मसाला पाउडर आप सभी को बता रही हूँ मैं। तो ये देखिए थोड़ा सा पानी ऐड करके ना मसाले को और अच्छी तरह से ना हम भूनने देंगे। तो ये देख सकते हैं आप, और बार बार ना इसमें चम्मच मतलब चलाते रहेंगे हम बीच बीच में, मसाला नीचे से ना लगे। तो ये देखिए मेरा सेटअप जो है ना प्रॉपर नहीं है अभी, और ये ट्राइपॉड काफ़ी बड़ा है, फिर भी मैं कोशिश कर रही हूँ इसे वीडियो शूट करने की। तो ये देखिए कम ज़्यादा मतलब कर रही हूँ मैं ढककर। ये देखिए यहाँ पर हमारी फ़िश जो है ना वॉश कर कर रेडी है। मैंने वो पानी फेंक दिया, काफ़ी रेडनेस मतलब जो होता है ना, जो ब्लड रहता है पूरा निकल जाता है और काफ़ी मतलब अच्छी वॉश हो जाती है इस तरह से फ़िश, स्मेल भी नहीं आती है। और ये देखिए यहाँ पर हमारा मसाला जो है वो भी अच्छी तरह से भून चुका है, ऊपर से ऑयल भी छोड़ रहा है, देख सकते हैं आप। तो ये मसाला अब हमारा पक गया है, तो अब हम इसमें अपनी जो फ़िश वॉश करके रखे है उसे ऐड कर देंगे। कच्ची फ़िश का सालन भी कह सकते हैं आप इसे, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगता है इस तरह से। तो अब फ़िश ऐड कर देंगे हम इसमें। और
तो मसाला तो डन हो गया है हमारा। अब हम इसमें ना नमक ऐड करेंगे, सॉल्ट अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। आप अपने मतलब जितनी फिश की क्वांटिटी ले रहे हैं उसके हिसाब से आप जितना नमक पसंद करते हैं मतलब सॉल्ट उस हिसाब से ऐड करें। और ये देखिए अच्छी तरह से एक बार और मिक्स कर लेंगे, जिससे क्या होता है थोड़ा बहुत कच्चापना भी अगर मसाले में रहा ना हमारा तो नमक ऐड करने से प्याज वगैरह काफ़ी अच्छे से पक जाती है। तो ये देखिए कैमरा ऑन करके मैं बाहर चले गई थी क्योंकि कोई आ गए थे, तो यहाँ मसाला भी हमारा भून रहा है। मसाला अब हमारा अच्छी तरह से भून चुका है फाइनली, क्योंकि मैं थोड़ा सा ज़्यादा ही मतलब मसालों को अच्छे से पकाती हूँ, क्योंकि मुझे एक अच्छी स्मेल जो आती है बिल्कुल पसंद नहीं है। और ये देख सकते हैं आप फिश ऐड कर देंगे हम, और फिश का कलर भी आप देख सकते हैं सारी रेडनेस इसकी निकल चुकी है और काफ़ी अच्छी तरह से वॉश हो गई है फिश हमारी। तो 2 मिनट हम क्या करेंगे इसको ना ऐसे ही मसाले में मतलब भुनेंगे ढक्कन ढककर, और फिर इसके बाद हम अपने हिसाब से मतलब इसमें पानी एडजस्ट करेंगे क्योंकि मैं ग्रेवी वाली तो नहीं बना रही हूँ। तो ये देखिए सारे मसालों में अच्छी तरह से कोट हो गई है मतलब हमारी फ़िश। तो 1 से 2 मिनट ढककर ना इसे पकने देंगे हम ऐसे ही, कि ताकि मसाले जो है ना सारे फ़िश अच्छे से अब्जॉर्ब कर लें और टेस्ट अच्छे से उतर जाए। तो मैं इस तरह से यानी फ़िश का सालन बहुत ही ईजी तरीके से और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी इस तरह से मैं बनाती हूँ, अपनी तारीफ शायद खुद से कर रही हूँ। और अब मैं इसमें ना पानी ऐड कर दूँगी क्योंकि मैं यहाँ तरी वाला सालन बना रही हूँ, रस्से वाला तरी वाला जो भी कह लें आप फ़िश करी। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, और बीच बीच में चम्मच चलाएं बिल्कुल, नहीं तो फिश में कभी भी ना ऐसे मतलब साइड साइड में चम्मच चलाएं, वरना फिश जो है ना टूटने का भी डर रहता है यानी पीसेस इसके। तो इस तरह से बिल्कुल हल्के हाथों से मतलब साइड साइड में आप चम्मच चलाएं, डायरेक्टली ना चलाएं जैसे हम सब्जी में चलाते हैं वैसा ना चलाएं। तो ये देखिए और इसे ढककर अब हम पकने देंगे क्योंकि बहुत जल्दी पक जाती है फिश। तो ये देखिए 5 से 10 मिनट के बाद में मीडियम टू लो फ्लेम पर मैंने इसे कुक किया है। आप देख सकते हैं फ़िश का एक भी पीस चूरा नहीं हुआ है और बिल्कुल बहुत ही अच्छा जायकेदार दिख रहा है। तो खाने में भी उतना ही लाजवाब बना था हमारा ये फ़िश का सालन, लग रहा है ना एकदम ज़बरदस्त। यहाँ पर बन रही है हमारी चाय क्योंकि मेहमान आ गए थे मैंने आपको कहा, और ये मेहमान के लिए तो वो भी सूट हो गया साथों साथ। तो बस ये चाय भी बन रही है और हमारा फ़िश का सालन भी बन गया है, और यहाँ पर मेरे बर्तन भी जो है मतलब घिस के मैंने रख ली, अब उसे वॉश करना बचा है मुझे। तो ये देखिए तो बस इस तरह से मैं बनाती हूँ, सिंपल इजी, और अपने मुंह से तारीफ कर रही हूँ आप कहेंगे, क्योंकि मैं इस तरह से ही बनाती हूँ और मैं अपनी रियल लाइफ आप सभी से शेयर कर रही हूँ, इसमें कोई भी दिखावा नहीं है। ये देखिए बहुत ही जायकेदार हमारी फ़िश करी बनकर रेडी है। कैसी लगी आप सभी को ये फ़िश करी की रेसिपी मुझे कमेंट करके ज़रूर बताएं। यहाँ पर मैं बना रही थी अपने लिए हेयर प्रोटीन मास्क, जो कि बहुत ही अच्छा है, ये बहुत ही ज़्यादा मतलब बेस्ट वाला मास्क है ये समझ लीजिए आप, और वो भी देसी घी से मैंने बनाई हूँ। आपको सुनने में थोड़ा सा ये लगेगा बट हाँ देसी घी काफ़ी अच्छा है ना हमारे हेयर्स के लिए, स्किन के लिए और हमारी हेल्थ के लिए, और वैसे ही ये हमारे बालों के लिए भी काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद है, मतलब बहुत ही अच्छा है। और यहाँ लॉरियल का जो है ना ऑयल वाला कंडीशनर मैंने 2 पैकेट इसमें ऐड करी हूँ, और 2 टेबल स्पून मैंने ना यहाँ होममेड देसी घी ली हूँ। जैसे कि आप सभी को पता है कि हम अपने घर का ही जो देसी घी है मैं वही मतलब इस्तेमाल करती हूँ और वही बनाती हूँ। तो ये देखिए अच्छी तरह से यानी मिक्स कर लेंगे इसे, जैसे कि आपके बालों में मतलब बहुत ज़्यादा फ्रीजीनेस है, झड़ते हैं, आपके बाल शाइन नहीं करते हैं, सॉफ्ट नहीं लगते हैं, तो ये ऑल इन वन मतलब ये हेयर प्रोटीन मास्क है। आप सभी एक बार ज़रूर ट्राई करें, 1 टाइम में ही इंशाल्लाह आपको बहुत ही अच्छा इसका रिज़ल्ट मिलेगा, क्योंकि मैं जो चीज़ मतलब अपने ऊपर लगाती हूँ अप्लाई करती हूँ तो वही आप सभी के साथ शेयर करती हूँ, क्योंकि मुझे अच्छा रिज़ल्ट मिलता है तो मैं आप सभी के साथ शेयर करने में मुझे भी दिल से खुशी होती है कि किसी का फ़ायदा हो। तो बस इसीलिए, क्योंकि ये देखिए इसमें 2 से 3 ड्रॉप मैं ना इसमें लेमन ऐड कर दूँगी, अगर मतलब आपके बाल ज़्यादा ही रफ़ है जो प्रॉब्लम है आपके बालों में तो आप इसे ना वीक में 2 बार लगाएं, और रूट्स को मतलब जो जड़ है ना जड़ को हम आधा इंच छोड़ के लगाएंगे, इसे अप्लाई करेंगे रूट्स तक के, ठीक है। तो ये देखिए अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे हम, जब तक ये क्रीमी फॉर्म में ना आ जाए ना तब तक ये हमें अच्छे से बीट करना है इसे। और ये देखिए बिल्कुल ठंडा वाला यानी 2 से 3 टेबल स्पून मैं इसमें मिल्क ऐड कर रही हूँ दूध,
और ये बॉईल वाला ही मतलब मिल्क है, कच्चा रॉ मिल्क नहीं है। तो वन टाइम यूज़ में ही आप कहेंगे मुझे कि बहुत ही अच्छा लगा ये पैक क्योंकि वैसा ज़बरदस्त पैक है ये। और अब इसमें हम ना दही ऐड कर देंगे, और इसे भी आप अपने लेंथ के अकॉर्डिंग ही मतलब ले, जितनी आपके बालों की लेंथ है उसके हिसाब से ही मैं बना रही हूँ यहाँ अपने लिए। तो सोची चलो आप सभी से भी शेयर करती हूँ कि ताकि आपको भी एक मतलब हेल्प हो, क्योंकि हेयर्स की प्रॉब्लम हमें हर किसी को रहती है, और इसे सभी अप्लाई कर सकते हैं, 12 साल के ऊपर बच्चे भी अप्लाई कर सकते हैं। ये देखिए ये क्रीमी फॉर्म में आ रहा है। तो चलिए टाइटल थंबनेल पर आ जाते हैं। अभी इन दिनों झगड़े वाला शो मैं तो यही कहती हूँ, और मैं देखना पसंद नहीं करती हूँ ऐसे जो बिग बॉस, तो उसमें मतलब मेरी जो फेवरेट कंटेंट जो है ना वो रूबीना दिल है, काफ़ी अच्छी लगती है मुझे। तो इस वजह से मैं अभी ना देख रही हूँ वो शो, तो मुझे थोड़ा बहुत अच्छा लग रहा है मतलब। तो प्रोटीन मार्क्स जो है हमारा, देख सकते हैं आप कितना क्रीमी बना है, बनकर तैयार है। उम्मीद करती हूँ आप सभी को आज का ये ब्लॉग अच्छा लगा होगा, तो ज़रूर मेरे चैनल को मतलब सब्सक्राइब करें न्यू है तो, और वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक भी करें, शेयर भी करें मेरी वीडियो को। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। हमें अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखें, अपना ध्यान रखें। अल्लाह हाफिज़, थैंक्स फॉर वॉचिंग।